तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। ये जो आप सामान सब देख रहे हो, एक्चुअली ये वीडियो जयपुर जाने के पहले का है। और आप सबको पता है कि अंशु गोली दोनों जयपुर जा रहे हैं, तो ये चार रूम हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस फ्लैट को खाली कर रहे हैं, इसलिए सारे सामान आपको अस्त व्यस्त लग रहे हैं। तो ये जो सारा सामान देख रहे हैं, सारा सामान इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट में लेकर के आ रहे हैं। इतना सामान है कि उसको एक फ्लैट के अंदर समेटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक साल काफ़ी होता है आपको अपने घर को बनाने के लिए। तो इस घर को मैं एज अ रेंटर नहीं, मैं एज अ मीन्स ऐसे रहती थी कि ये घर भी मेरा ही है। इस घर के हर एक कोने को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, बट अब भी ये घर मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। दुनिया और दुनिया में है मेरे ये एक मेरी ये अनमोल रतन है, जो आप सबको पता है जयपुर जाने की तैयारी में है। और क्या हो रहा है तो ये देखिए, क्योंकि गोल्डी जब चली जाएगी, जयपुर चली जाएगी, तो ये पूरा वार्डरोब जो है गोल्डी का, ये पूरा वार्डरोब जो है वो खाली हो चुका है। क्योंकि जब गोल्डी चली जाएगी तो फिर मुझसे इतना ये फ्लैट वो फ्लैट करना और गोल्डी के इधर आकर के ड्रेस डालो, ये डालो वो डालो, तो संभव नहीं हो पाएगा। तो गोल्डी को मैं बोली हूँ कि इस वार्डरोब को खाली कर लो, जो तुम्हें लेके जाना है जयपुर वो तुम जयपुर चली जाओ, और जो तुम्हें नहीं लेके जाना है अब जो मेरा जो फ्लैट है उसके अंदर जो है वो डाल दो। तो वही सब जो चल रहा है, ये बेड के ऊपर पूरा जो है आपको ये दिख रहा है। अच्छा, मैं कल छवि अश्विनी कुमार चैनल पे आपको हॉल वीडियो बनाने वाली हूँ, हॉल वीडियो ही, क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉग। मैम कृपया अपने तरफ घुमा। हाँ ओके। हॉल वीडियो इसलिए दोस्तों कि बहुत बड़ा वाला जो है वो ब्लॉग, नहीं तो 10 मिनट का जो है वो वीडियो बनेगा, 12 मिनट का, 10-12 मिनट का नहीं बनने वाला है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है, मीन्स कम से कम 30-32 मिनट का ब्लॉग होने वाला है, हॉल वीडियो होने वाला है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, उसमें जो भी मैं गोल्डी को दे रही हूँ वो सब कुछ बहुत यूजफुल है। तो मैं एक एक चीज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके बच्चे फ्यूचर में अगर कभी जाने वाले हैं या अभी जाने वाले हैं, अगर जाने की सोच रहे हैं बाहर में, तो आपको क्या क्या देना चाहिए, जिसमें से मैक्सिमम चीज मैं उसमें डाली नहीं हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं डाली हूँ। और बहुत ऐसा चीज है जो मैं जयपुर जब जाऊंगी वहां पर मैं शॉपिंग करूंगी गोल्डी के लिए, क्योंकि वहां पर भी इजिली मिल जाने वाला है। तो यहाँ से पुणे से वहां लेकर के जाना जो है कोई जमता नहीं है, तो वही वाली बात है। और क्योंकि क्यों लगेज लेकर के जाऊं ना, ये मेरा सेकंड स्पेक्स था। हाँ, ये गोल्डी का सेकंड स्पेक्स था। कैसा अजीब सा लग रहा है। गोल्डी तुम ब्रश की हो? हाँ, मैं उठते उठते ब्रश करती हूँ। तो वही सब है और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, बहुत कुछ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जैसे कि आप टाइम देख सकते हैं 12 बजने जा रहा है, और देखिए आपकी छवि क्या कर रही है। आपकी छवि को देखो, आपकी छवि बना रही है सैंडविच। और ये क्या है, कद्दू लग रहा है। कद्दू नहीं है, नीनुआ। और वो है बाग बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बना। वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। मैं हूँ छवि। छवि हमें बता रही है सैंडविच किसके लिए? पापा के लिए और लंच के लिए। तो अभी यही है, उसके मम्मा को बहुत सारा काम है। कल से हम लोग पार्लर का बुकिंग किए हैं। मैं मैनीक्योर पेडीक्योर करवाऊंगी, कभी आज तक करवाई नहीं, मम्मा कभी करवाने दी नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ मम्मा प्लीज एक बार तो करवा दो। तो मैनीक्योर पेडीक्योर होगा, आईब्रो होंगे मेरे, और थोड़ा हेयर स्पा वेयर स्पा करवा लूँगी मैं, है ना। थोड़ा सा पैम्परिंग करूँगी, सेल्फ पैम्परिंग, क्योंकि
जाऊंगी तो 3 महीने के बाद ही आऊंगी, उसके पहले तो आ नहीं सकती, तो थोड़ा सेल्फ पैम्परिंग करके जाएंगे, है ना। तो वही है और क्या, बस अभी तो फिलहाल यही चूज कर। हमें जाना है एनमोर के स्टोर पे क्योंकि हमें खरीदने हैं अंडरगारमेंट्स, तो वो भी करेंगे। सिर्फ वही बचा है, बाकी सब शॉपिंग हो गया है। जैसे कि नहीं, मैं वो व्लॉग अपलोड नहीं की हूँ अभी, नहीं तो आपको पता चल जाता कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे एमजी रोड बैग ये सब का। बट वो मैं अभी मैं सिर्फ रिकॉर्ड की हूँ, कोई भी वीडियो एडिट नहीं की हूँ। मेरा एक और वीडियो बचा है अनरेडी विद मी, तो वो भी बचा हुआ है अभी, उसको एडिट नहीं किया हूँ। तो ये मम्मा, मैं सोचती हूँ मम्मा को मैं एज ए एडिटर रख लेती हूँ। बस सोच यही कि एक तो मैं अपने वीडियो से परेशान हूँ, तो मैं परेशान हूँ एडिट कर करके मैं खुद परेशान हूँ, ऊपर से इसके भी वीडियो के एडिटिंग करो, मैं इन वीडियो का क्या करूँगी, क्या ही करूँगी मैं, नया सुन सीखी हूँ मैं, बट क्या ही करूँगी मैं। एक्चुअली नया नहीं है, बहुत पुराना वर्ड है ये कुर्ता, को तो मैं पहन के थक गई हूँ, बट ये कुर्ता मुझे छोड़ नहीं रहा और मैं भी नहीं छोड़ रही, क्योंकि मैं भी बहुत ढीठ प्रवृत्ति की हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हाय गाइस, वेलकम टू छवि की दुनिया। आज का डेट है 26 जुलाई 2022, टाइम होने जा रहा है रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे, और हम मंगवाए हैं पहली बार बिग बास्केट का फ्रेशो मीट्स। तो ये जा रहा है उस फ्लैट में, हम लोग यहाँ का एड्रेस तो यहाँ पे आया है, और ये मीट आया है। अंशु मत खोलो, हम लोग इसको जा रहे हैं उस फ्लैट के फ्रिज में डालने, क्योंकि वो फ्लैट का फ्रिज नॉनवेज का फ्रिज है, तो सारे नॉनवेज के मटेरियल उधर ही रहते हैं, तो हम जा रहे हैं इसको फ्रिज में रखने। ऐसे देखो, दिखा दो। ऐसा है इसका ये चिकन, कटा वटा सारा, ये पूरा कट बोनलेस है, और यही इसको क्या बोल रहे थे, चिली चिकन बोनलेस, चिली चिकन कुछ ऐसे ही नाम था इसका, तो वो हम लोग मंगवाए। तो ये कल के लिए आया, हम लोग उसको फ्रिज में डाल देंगे, थोड़ा फ्रिज है तो उसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अंश भूखा है, उसको डाउट था कि आज मंगवा, मेरे को डाउट था कि मम्मा ने बोला कि कल मंगवा के सुबह सुबह को मना दूंगी, मेरे को डाउट था कि मम्मा वापस मंगवाएगी नहीं, बोला कि अभी ही मंगवा के रख। तो अभी हम जा रहे हैं उस फ्लैट में, फ्रिज के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। और हाँ, रिव्यू इतना साफ, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आया, मतलब थोड़ा सा ही धोने पे हो जाता है, लेकिन मम्मा बहुत धोती है, ये इतना साफ था, एक बार धुलने से धुल जाएगा, लेकिन मम्मा इसको भी रगड़ रगड़ के धोई है। ये इसके जस्ट पहले, कुछ 10 मिनट पहले हम लोगों ने एक और मंगवाया था, चेस्ट प्रॉपर करो, चेस्ट पीस, हाँ हाँ, उसमें कट नहीं लिखा था, हम लोग फर्स्ट टाइम, हम लोगों ने कॉल भी नहीं किया उधर, कट वट लिखा है, तो उसमें प्रॉपर एक बड़ा चेस्ट पीस ला के दे दिया बिना कट के, मम्मा आराम से इधर से चैक 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 कट किया अपने हिसाब से। हाँ, तो वो हो गया है, ऐसे फ्रूट निंजा के बाद है ना, चिकन निंजा बनना चाहिए, फ्रूट निंजा के जैसे मम्मा ने फुई कुछ तो एकदम अच्छा। हम लोग कैसे, पापा मार्केट से शॉप से लेके आते हैं, तो पैकेट खोलते ही इसमें से बदबू आती है, इतना गंदा रहता है कि घिन आता है, लेकिन इसके साथ वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मम्मा ये वाला शेल्फ को साफ कर रही है, तो अभी चलते हैं उस फ्लैट में, ये पूरा सामान ऐसे मम्मा सेट कर रही है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय।